अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं क्विकली झटपट आसानी से बनने वाले चिकन मायो सैंडविच। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से बनाते हैं आज के सैंडविच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले। ग्राम्स चिकन बोनलेस को एक पतीली में डालिए, 3/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, नमक चुटकी भर डाल दीजिए और एक छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर उबाल आ जाए तो चूल्हा स्लो या मीडियम कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये पूरी तरीके से गल नहीं जाती। बार बार बीच में चलाते रहिएगा ओकेजनली। जब अच्छी पक जाइए, देखिए पक गई है तो यहाँ पानी थोड़ा है, तो यहाँ पर मैं पानी पूरी तरीके से नहीं सुखा रही, लेकिन आप पूरी तरीके से इसे फास्ट आंच करके सुखा लीजिए। मैं थोड़ा सा पानी रख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिए और मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मुझे किसी और चीज़ में भी डालना है। तो चूल्हा कर देती हूँ बंद, अच्छा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से इसको श्रेड कर लीजिए। ऐसे ये श्रेड करी हुई चिकन को एक प्याले में डाल दीजिए बड़े वाले, उसके अंदर डाल दीजिए 5 से 5.5 टेबलस्पून मायोनीज के। मैं 5.5 डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच सिरका भी डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डालिएगा या फिर टोटली स्किप कर सकते हैं नमक। आधा छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए और 3/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक ये जो शक्कर है ना घुल नहीं जाती। हाँ, आप चाहें तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर साइड पर रख सकते हैं सो दैट शक्कर घुल जाए। मैं यहाँ साइड पर रख देती हूँ और ब्रेडों का कर लेती हूँ। तो ब्रेड लीजिए, उसके चारों कट्ठे जो साइड्स के जो एजेस हैं वो सारे निकाल लीजिए इस तरीके से सारों के। अच्छा, यहाँ पर मेन बात ये है कि आप ज़्यादा ये जो हमारा मायोनीज वाला मिक्सचर चिकन का डालेंगे तो हमारे सैंडविचेस कम बनेंगे, और अगर कम डालेंगे तो ज़्यादा सैंडविचेस बनेंगे, है ना। चलिए ये सारे कट चुके हैं। अच्छा, ये जो कट्ठे चारों जो एजेस बचे हैं, आप चाहें तो इनका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं मिक्सर में डालकर, या फिर आप कोई सब्जी में डाल सकते हैं, इसकी खुद की सब्जी भी बना सकते हैं, या फिर मैं तो क्या करती हूँ कभी कभी ना कबू यानी के कबूतरों को दे देती हूँ। चलिए अब फिर से आप एक बार मिक्स कर लीजिए हमारे ये मिक्सचर को, और ये रहे हमारे ब्रेड। अब एक ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा लीजिए, बहुत अच्छे से चारों ओर फैला दीजिएगा। कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए, टेस्ट आता है मक्खन का इसके लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 4 सैंडविचेस बना रही हूँ ये मिक्सचर से। आप चाहें तो 5 से 6 भी बना सकते हैं अगर आप कम डालेंगे ये मिक्सचर तो हमारा चिकन का। चलिए ये सारे मैंने मक्खन लगा लिए। अब एक लीजिए ब्रेड को, ओपन कीजिए, ये मक्खन लगे हुए साइड पर लगा दीजिए, ये हमारा चिकन का मिक्सचर चारों ओर अच्छे से फैला दीजिए। मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं, फैला लें तो ढक दीजिए। इसी तरीके से सारे हमारे सैंडविचेस के अंदर ये मिक्सचर चिकन का लाल दीजिए इस तरीके से। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसके अंदर जो बचा हुआ थोड़ा सा मिक्सचर था मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखिए पूरी तरीके से खाली हो गया ना हमारा प्याला। अब आप चाहें तो मेरी तरह कारीगरी करें और जो हमारी किचन सीजर है उससे चाहें तो काट लें, या फिर छुरी की मदद से इस तरीके से काट लें ट्रायंगुलर शेप में। और ये बन गए हमारे मायो चीज सिंपल लेकिन मज़ेदार से और डिलिशियस सैंडविचेस रेडी। चाय के टाइम पे सर्व कीजिए, बच्चों को दे, बड़ों को दे, बूढ़ों को दे, आपके गेस्ट आए उनको भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी खाकर। मैंने काली मिर्च 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है, आप चाहें तो एक छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, स्पाइस बढ़ा सकते हैं मेरा मतलब है। अच्छा, मैंने बोनलेस चिकन का बनाया, आप चाहें तो हड्डियों वाला चिकन भी ले सकते हैं, और फिर जब पूरी तरीके से बॉयल हो जाए तो श्रेड कर दीजिएगा, हड्डियाँ फेंक कर आपकी जो चिकन मिले उससे बनाइएगा इसे। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वाली रेसिपी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली रेसिपी के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।